एणिकि नेता बनिबे अधिक महिला एही दिगरे एक ऐतिहासिक पदक्षेप नेइछंती मोदी सरकार। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा महिला को 33% संरक्षण देवा संपर्कित बिल को आज संसद में आगत करा जाइछि। नुआ संसद भवन में चलिथिबा स्वतंत्र अधिवेशन रे एही बिल को लोकसभा रे आगत करिछंती केन्द्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। गतकाली बिल को केन्द्र कैबिनेट अनुमोदन करिथिला। नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा रे आगत हेबा परे विरोधी मध्य एहाकु एक स्वर रे समर्थन करिवे बोली प्रधानमंत्री आशा प्रकट करिछंती। महिला सशक्तिकरण एवं महिला को नेतृत्व क्षेत्र रे एही संविधान संशोधन बिल विशेष सहायक हेबो बोली मोदी दृढ़ोक्ति प्रकाश करिछंती। एहा गणतंत्र को अधिक सुदृढ़ करिवे बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। दर्शक बंधु एवं नजर पकाइबा केन्द्र सरकार के प्रस्तावित महिला संरक्षण बिले कौन सब व्यवस्था रही महिला को प्रतिनिधित्व करने के अधिकार एवं नेता हेबे अधिक महिला। लोकसभा आगत होइछि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जहाँ को आईन मंत्री आज उपस्थापन करिछंती लोकसभा एवं राज्यसभा 33% महिला संरक्षण व्यवस्था रहिबो। संसदर उभय गृहर अनुमोदन परे आईन ने परिणत हेबो। आसंता काली एहार माराथन आलोचना बा डिस्कशन रही आईन ने परिणत हेले लोकसभा महिला सदस्य संख्या 181 हेबो। वर्तमान लोकसभा महिला सांसद संख्या रही 82। 2008 मनमोहन सिंह सरकार महिला संरक्षण बिल आनी एवं जहाँ को नहीं वर्तमान राजनीति तेजुची। 2010 मनमोहन सरकार राज्यसभा बिल मध्य पास करथिले। लोकसभा संख्या नथिबारु बिल पास हो पार नथिला। महिला संरक्षण बिल पास करिबारे 27 वर्ष रे चारि सरकार फेल मारिछथि। बीजेपी एजेंडा रे महिला संरक्षण बिल मध्य रहिछि। मैनिफेस्टो रे मध्य कहा जाइथिला वाजपेयी सरकार समय रे एहाको पास करिबा पई मध्य उद्यम सेतबेले हेइथिला। बहुमत अभाव रु बिल पास हो पार नथिला। 2019 रे बीजेपी इस्ताहार रे महिला संरक्षण बिल थिला। 2019 तथ्य अनुसार देश में 44 कोटी महिला भोटर तेणु महिला नेतृत्व नवार अधिकार मध्य रही। 2019 निर्वाचन में बीजेपी को 37% एवं कांग्रेस को 20% महिला समर्थन मिलता एवं कहा जाए महिला माने निर्णायक भूमिका निर्वाह करती निर्वाचन में।